साधना का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिकता के नाम पर बुद्धि के निर्णय से सभी इंद्रिय संबंधों को अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि मार्ग की प्राथमिक शर्तें इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, जैसे पूजा, पढ़ना, सीखना, अलौकिक शक्ति का प्रलोभन, गुरु करना आदि। तो सावधान रहो, व्यक्ति को अपने पदों का न्याय करना चाहिए, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से उत्तम बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और ज्ञान को इंद्रिय स्तर से मुक्त करके इंद्रिय स्तर पर जाना चाहिए। इसलिए सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेना चाहिए और ज्ञान के विषय से परे ज्ञान की प्रकृति तक जाना चाहिए और ज्ञान के स्वरूप की ओर जाना। सही गलत निश्चय, समझ और न समझ, ईश्वर मैं जानना मुझे आदि की अवधारणा के लिए सही निर्णय की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने से पहले हमें निर्णय को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक बिना जाने मानने और जाने बिना मानने की अज्ञानता में सीमित है। ईश्वर या आत्मा के नाम पर कुछ भी स्वीकार नहीं करना बल्कि खोजना, क्योंकि सत्य को बिना जाने स्वीकार करना अज्ञान है। स्वीकार करने का अर्थ है अपना स्वयं का निर्माण करना, इसलिए निर्णय लेने से पहले शोध की जरूरत है। नुतबा मनार का नाम मर्यादित रहना चाहिए।